नहीं तो चलिए बीकानेर का बस स्टैंड देख लीजिए, यहां यात्री नहीं बल्कि कूड़े और पार्किंग में खड़ी साइकिलों का कब्जा, किस तरह की तस्वीरें हैं आप भी देखिए। बीकानेर, नाम आते ही जुबान पर बीकानेर नमकीन का जायका आ जाता है। नमकीन की खटास से मन मीठा हो जाता है, लेकिन उसी बीकानेर की एक तस्वीर देखकर आपको घिन आने लगेगी। ये तस्वीर किसी कूड़ा घर का नहीं है, ना ही किसी पार्किंग की है, बल्कि यात्रियों की सुविधाओं के लिए बनाए गए बीकानेर के बस स्टैंड की है। कूड़े का अंबार, साइकिलों की कतार वाली जगह को अगर बस स्टैंड कहते हैं तो फिर इसे भी बस स्टैंड मान लिया जाए, जो अपने वजूद की बदहाली पर आंसू बहा रहा है, जहां बैठने के लिए कुर्सी नहीं है। स्टैंड पान गुटके की पीकों से पटा पड़ा है, मतलब यात्रियों के खड़े होने तक के लिए साफ जगह नहीं है। यात्री सड़क पर खड़े होकर बसों का इंतजार करते हैं, बाकी बस स्टैंड पर कूड़े और साइकिलों का सिक्का चलता है। मुसाफिर परेशान हैं, लेकिन इससे प्रशासन को क्या मतलब? नगर विकास न्यास द्वारा जो अस्थायी बस स्टैंडों पर यात्रियों के लिए सुविधा के लिए जो स्टैंड बनाए गए हैं, उस स्टैंड के अंदर किसी प्रकार की भी कोई सुविधा नहीं है। गंदगियां पड़ी हैं, लोगों के थूके पड़े, किसी प्रकार की सफाई व्यवस्था, साथ ही साथ वहां बैठने की व्यवस्था भी नहीं है। जो कुर्सियां थी वो क्षतिग्रस्त हो गई हैं। अब ये किसके और इसका ध्यान नहीं दे रहे यूआईटी वाले, और अपने सिर्फ विज्ञापन, अपने इनकम के लिए, सोर्स के लिए विज्ञापन की तरफ ध्यान दे, विज्ञापन लगा दिया गया, मगर किसी प्रकार की यात्रियों की सुविधा के लिए कोई भी किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई है। बीकानेर के इस बस स्टैंड में कूड़ा नहीं है, बल्कि बस स्टैंड कूड़ेदान में बदल गया है। हालात ऐसे हो गए हैं कि बदबू की वजह से लोग बस के इंतजार में एक मिनट भी खड़े नहीं हो पाते हैं। लोगों का आरोप है कि यूआईटी बस स्टॉप पर विज्ञापन शेड लगाकर लाखों रुपए कमा रहा है, लेकिन जनता की परेशानियों, उनकी सुविधा पर एक रुपया भी खर्च नहीं कर रहा है। बस स्टैंड की बद इंतजामी पर जब जी मीडिया ने यूआईटी चेयरमैन से बात की तो साहब जिम्मेदारियों से बचते नजर आए। बस स्टॉप तो सही है, लेकिन जो नीचे चेयर है वो कहीं कहीं थोड़ी बहुत टूटी हुई है, तो उनको हम सही कराने का प्रयास जल्दी से जल्दी कर रहे हैं, जल्दी करवा देंगे। ऐसी जगह मेरे ध्यान में नहीं आई अभी तक कि भाई बस स्टॉप को पार्किंग बनाया हो, ऐसा मेरे ध्यान में नहीं आया। ऐसा कोई है तो उसको भी देख के कार्रवाई करेंगे, अगर किसी ने भी पार्किंग बनाई है तो उस पर कार्रवाई करेंगे। बस स्टॉप ही है, अगर ऐसा कोई किसी ने किया है, अभी तक मेरे पास कोई शिकायत भी नहीं आई है और ना मेरे नॉलेज में आया है। अगर आएगा तो जरूर कार्रवाई करेंगे, तुरंत कार्रवाई करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां एक तरफ पूरे देश को स्वच्छ बनाने के लिए स्वच्छता अभियान चला रहे हैं, तो बीकानेर में पीएम के अभियान को अधिकारी पलीता लगा रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि ऐसे कैसे स्वच्छ होगा भारत? त्रिभुवन रांगा, जी मीडिया, बीकानेर।